Good morning class, this is our new pathology class in which today we will start our new chapter, that is inflammation. This is the second chapter of general pathology. Actually हम लोगों ने अपनी last class के अंदर अपना first chapter complete कर लिया था, cell or tissue changes. दूसरा chapter हम आज start कर रहे हैं inflammation, मतलब swelling. ये सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारी बॉडी का. जब कोई भी इन्फेक्शन या इंजरी या डिज़ीज़ की कोई कंडीशन हो रही होती है, तो ऐसी कोई भी अनयूजुअल कंडीशन जब हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो उसमें जो हमारी बॉडी फर्स्ट रिस्पॉन्स दिखाती है वो फर्स्ट रिस्पॉन्स इन्फ्लामेशन होता है. इन्फ्लामेशन बॉडी का फर्स्ट रिस्पॉन्स है, फर्स्ट रिस्पॉन्स टू इंजरी. ये आप कह सकते हैं कि ये एक एक्शन का रिएक्शन होता है. तो देखिए, इन्फ्लामेशन को हम अगर डिफाइन करें तो ये एक लोकल रिस्पॉन्स है लिविंग मैमेलियन टिश्यू का किसी इंजरी के प्रति, जो किसी एजेंट की वजह से हो गई है. किसी एजेंट से होने वाली टिश्यू में इंजरी के लिए जो फर्स्ट लोकल रिस्पॉन्स होता है वो इन्फ्लामेशन होता है. ये बॉडी की डिफेंस रिएक्शन है जिससे कि हमारी बॉडी उस इंजूरियस एजेंट को बॉडी से एलिमिनेट कर देती है या उसको स्प्रेड होने से रोकती है. तो ये बॉडी की एक डिफेंस रिएक्शन है. अब इन्फ्लामेशन के कारण क्या क्या होते हैं, तो इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, फिजिकल केमिकल एजेंट्स या इनर्ट मटेरियल्स वगैरह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म में तो ऑब्वियस है, सारे बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स, फंगाई, पैरासाइट्स वगैरह सब एजेंट्स जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं वो सब इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इम्यूनोलॉजिकल एजेंट सेल मीडिएटेड भी हो सकते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के भी हो सकते हैं. पढ़े थे ना अपन ने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर पढ़ाया था मैंने. तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या, ग्लोमेरुला का इन्फ्लामेशन ही तो था जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हो रहा था. इसके अलावा फिजिकल एजेंट्स, हीट, कोल्ड, रेडिएशन, मैकेनिकल ट्रॉमा वगैरह, कुछ गर्म लग जाए तो भी सूजन आ जाती है, कोल्ड से भी आ जाती है, रेडिएशन से भी आ जाती है, या फिर कोई इंजरी वगैरह से भी आ जाती है. केमिकल एजेंट्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉइजन्स जो होते हैं वो इन्फ्लामेशन कॉज करवा देते हैं. और इनर्ट मटेरियल्स जैसे फॉरेन बॉडीज वगैरह आपकी अगर बॉडी के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो वो इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. ठीक है, अब इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन से अलग कैसे होता है, मतलब किस कंडीशन को हम सिर्फ इन्फेक्शन कह रहे हैं, किसको हम इन्फ्लामेशन कह रहे हैं, क्या इनमें फ़र्क है. तो देखिए, इन्फ्लामेशन बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है या आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहा है, किसी हार्मफुल स्टिम्यूलेशन के प्रति प्रोटेक्शन दे रहा होता है. मैंने आपको बताया कि इंजरी में या इन्फेक्शन वगैरह में ये देखा जा रहा होता है. तो अगर, और कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, अगर कोई इंजरी हुई और उसमें अगर इन्फ्लामेशन नहीं हुआ तो मे बी कि वो इंजरी कभी भी हील ही ना हो और आपको ज़िंदगी भर उस इंजरी के साथ में ही सर्वाइव करना पड़े. इसलिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल स्टेप है, बॉडी का एसेंशियल रिस्पॉन्स या प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है बॉडी द्वारा, जो बहुत सारे एटियोलॉजिकल एजेंट्स के प्रति देखने को मिल रहा होता है. जब इन्फेक्शन इन्वेड कर जाता है बॉडी के अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स के द्वारा, तो उसकी वजह से उनके हार्मफुल माइक्रोब्स के टॉक्सिन्स वगैरह के रिजल्ट के रूप में इल इफ़ेक्ट भी बॉडी के अंदर देखने को मिल रहा होता है. और उससे बचने के लिए, उस इल इफ़ेक्ट से बचने के लिए हमारी बॉडी क्या शो करती है, इन्फ्लामेशन शो करती है. अब दो बेसिक प्रोसेस हैं जो थोड़े बहुत ओवरलैप होते हुए होते हैं, जैसे अर्ली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स और लेटर फॉलोड बाय हीलिंग. ये बात मैंने बोली कि सबसे पहले इन्फ्लामेशन दिखाई देगा और बाद में हीलिंग दिखाई देगी, मतलब फर्स्ट स्टेप इन्फ्लामेशन है. अगर इन्फ्लामेशन नहीं हुआ, हीलिंग होगी ही नहीं. या आप कह सकते हैं ये ओवरलैपिंग स्टेप है, मतलब एक दूसरा जुड़े हुए, साथ 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 चलते रहते हैं, कोई जुड़ नहीं, एक के बाद ही दूसरा होएगा, लगभग ऑलमोस्ट साथ साथ भी चल रहे होते हैं, पर इन्फ्लामेशन के बिना हीलिंग कभी भी नहीं होती है, ये ध्यान रखिए. कई बार
इट कॉजेज कंसिडरेबल हार्म टू द बॉडी। कई बार इस इन्फ्लामेशन से नुकसान भी होता है, हालांकि वैसे प्रोटेक्टिव मेकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, पर कई बार इससे हमारी बॉडी को नुकसान भी हो जाता है। जैसे एनाफाइलैक्सिस में भी इन्फ्लामेशन होता है, किसी इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, ड्रग्स या टॉक्सिन्स की वजह से एनाफाइलैक्सिस होता है। और ये हमने पढ़ रखा है, आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था कि ये क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शन होती है। कई बार इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी डिजीज़ देखने को मिल जाती है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ब्लड वेसल के अंदर। क्रॉनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA, ये भी इन्फ्लामेशन का ही एग्जाम्पल है, जबकि एक डिजीज़ है जो कि कभी ठीक ही नहीं होती, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये। फाइब्रस बैंड्स, एडहेशंस इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह, ये सब इन्फ्लामेशन के एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। अब इन्फ्लामेशन के साइन एंड सिम्टम्स, तो 5 साइन एंड सिम्टम्स इन्फ्लामेशन के देखने को मिल रहे होते हैं, जिसमें 4 इसके कार्डिनल साइंस होते हैं, जिसको अपन सेल्सस कहते हैं। क्या क्या है वो? रिबॉर, ट्यूमर, कैलोर, डोलर। रिबॉर मतलब रेडनेस, ट्यूमर स्वेलिंग, कैलोर हीट, डोलर मतलब पेन। तो ये 4 तो कार्डिनल साइंस, और 5वां साइन है फंक्शियोलीजा यानी लॉस ऑफ फंक्शन, जो कि किसने था? वर्चो ने दिया था, और सेल्सस ने 4 कार्डिनल साइंस दिए थे। मतलब टोटल इन्फ्लामेशन के 5 साइन एंड सिम्टम होते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन। फिर जिस एरिया के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा होता है, वहाँ पर आप देखेंगे वो एरिया लाल हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, वो गर्म गर्म मतलब हल्का सा गर्म, नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर में वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। गर्म का मतलब ऐसा नहीं कि वो उबलना स्टार्ट हो गया है, गर्म का मतलब ये नहीं है, और उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और लॉस ऑफ फंक्शन, उस पार्ट से आप काम नहीं कर पाओगे नॉर्मल। जैसे अगर आपकी फर्स्ट फिंगर में स्वेलिंग आ गई किसी इंजरी वगैरह की वजह से, तो आप उसे लिख नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा आपको, बहुत ज़्यादा पेन कॉज होगा अगर आप लिखने की कोशिश भी करते हैं तो इसलिए लॉस ऑफ फंक्शन। ये 5 साइन एंड सिम्टम्स है इन्फ्लामेशन के। तो ये 5 साइन सिम्टम्स यहाँ पर आपको विद डायग्राम बताए गए हैं भाई। कैलोर में लोकल हाइपरथर्मिया और फीवर भी हो जाता है, बुखार चढ़ जाती है, वो पार्ट गर्म हो जाता है। रिबॉर में हाइपरीमिया हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हाइपरीमिया देखने को मिल रहा होता है, रेडनेस आ जाती है। हाइपरीमिया टॉपिक मैं आप लोगों को 4 चैप्टर में पढ़ाऊंगी भी पूरा डिटेल में अच्छे से। ट्यूमर यानी टिश्यू स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेटरी ट्यूमर यानी इन्फ्लामेशन की वजह से होने वाली स्वेलिंग। डॉलर बर्निंग पेन होने लग जाता है, जलन मचने लग जाती है उस एरिया के अंदर, और फंक्शियोलेजिया इम्पेयरमेंट, फंक्शनल इम्पेयरमेंट आ जाता है, उस पार्ट से आप फंक्शन नहीं कर पाते हो। अब इन्फ्लामेशन के टाइप्स, कितने तरह का होता है इन्फ्लामेशन? तो इन्फ्लामेशन जनरली 2 तरह का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और ये अर्ली बॉडी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बाद में हीलिंग हो जाती है, अर्ली बॉडी रिस्पॉन्स है जिसके बाद में हीलिंग हो जाएगी, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। ऑब्वियस है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, और इसमें कॉजेटिव एजेंट जो है, कई बार एक्यूट इन्फ्लामेशन का कॉजेटिव एजेंट अगर परसिस्ट कर जाए लंबे समय के लिए, तो भी एक्यूट इन्फ्लामेशन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। तो ये 2 कंडीशन से जुड़ी हुई है। इसके अलावा दूसरे वेरिएंट में क्रॉनिक एक्टिव इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, इसमें स्टिम्यूलस इज सच दैट इट इंड्यूसेस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन फ्रॉम बिगिनिंग। भाई एक तो हमने ऊपर बोला कि अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन और कॉजेटिव एजेंट परसिस्ट कर जाए लंबे समय के लिए, तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। और कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्यूट का ही परसिस्ट करे, कई बार डायरेक्ट ही कोई ऐसा स्टिम्युलेशन आपकी बॉडी को मिल रहा है जो कि डायरेक्ट क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करवा देता है, एक्यूट वाली स्टेज आती नहीं, सीधा क्या हो जाता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी सुन लीजिए, आपके एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में डिफरेंस आते हैं, तो अपनी कॉपी के अंदर बैठ करके ये होमवर्क कर लीजिएगा कि एक्यूट और क्रॉनिक में डिफरेंस आपको लिखना है, और मुझे बताइएगा कि आपने क्या आंसर लिखा है। तो ये आपका होमवर्क है। अब एक्यूट क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज के कॉम्पोनेंट्स देखिए डायग्राम के अंदर दिए हुए हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, पहले तो ब्लड वेसल दिखाई गई है, ब्लड वेसल की इनर मोस्ट लेयर एंडोथेलियम की लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन उसके बाद, और उसके ऊपर स्मूथ मसल्स दिखाई गई हैं। फिर इससे जुड़ी हुई सेल्स के अंदर
बाहर बात करें ब्लड वेसल के बाहर, तो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं, मास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट हैं और मैक्रोफाजेस वगैरह है, कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स है, इलास्टिक फाइबर्स है, कोलाजन फाइबर्स है, प्रोटियो ग्लाइकन्स हैं। ये तो सब ब्लड वेसल के बाहर पाए जाने वाले कॉम्पोनेंट्स हैं। और ब्लड वेसल के अंदर पाए जाने वाले कॉम्पोनेंट्स के अंदर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती है, प्लेटलेट्स होती है, मोनोसाइट्स होती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, काइनेनोजन्स होते हैं और कॉम्प्लीमेंट कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, जो सारी ब्लड सेल्स हैं वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। इन सब के अपने अपने आगे मैकेनिज्म में हम इनके रोल भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे रोल प्ले कर रही हैं अपना अपना। पहले हम आज एक्यूट इन्फ्लामेशन देख लें। एक्यूट इन्फ्लामेशन का मेन फीचर्स क्या है? इसमें उस जिस जगह पर ये इन्फ्लामेशन हो रहा है उस अफेक्टेड साइट पर फ्लूड और प्लाज्मा आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, प्लेटलेट्स वेसल के अंदर एक्टिवेट हो जाती हैं और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स इन्फ्लामेटरी सेल्स के रूप में वहाँ पर पहुँच जाती है। ये थर्ड पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, न्यूट्रोफिल्स एक्यूट इन्फ्लामेशन की पहचान है। न्यूट्रोफिल्स एक्यूट इन्फ्लामेशन की पहचान है। अगर बॉडी में एक जगह आपको खूब सारे न्यूट्रोफिल्स इकट्ठी हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब वहाँ इन्फ्लामेशन हुआ है। तो क्या होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर? अफेक्टेड साइट पर फ्लूड प्लाज्मा इकट्ठा हो जाएगा, इंट्रावेस्क्यूलर प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगी और पॉलीमॉर्फल न्यूक्लियर सेल्स के रूप में न्यूट्रोफिल उस इन्फ्लामेटरी सेल्स के रूप में वहाँ पर पहुँच जाएंगी। तो आप डायग्राम के अंदर देखिए, ऊपर नॉर्मल ब्लड वेसल दिखाई गई है जिसके चारों तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, आर्ट्रियल्स और वेन्यूल्स दिखाई गई हैं, ओकेजनली वहाँ पर लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफाज थोड़ी बहुत कभी कभार दिख जाती हैं। पर जब इन्फ्लामेटरी कंडीशन आती है तो आप देखिए आर्ट्रियल और वेन्यूल्स का डाइलेशन हो गया है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जिसकी वजह से कैपिलरी बेड जो है वो एक्सपैंड हो गया, फैल गया, चौड़ा हो गया कैपिलरी बेड। ये जो नेटवर्क्स आपको दिखाई दे रहा है वो चौड़ा चौड़ा हो चुका है। फाइब्रिन और दूसरे प्लाज्मा प्रोटीन्स वहाँ पे आकर के इकट्ठे हो गए हैं, न्यूट्रोफिल्स वहाँ खूब सारे पहुँच गए हैं और एडिमा हो जाता है जिससे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक्सपैंड होता है। तो ये सारी कंडीशन एक्यूट इन्फ्लामेशन में देखने को मिलती है। डायग्राम आपको बनाना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। एक्यूट इन्फ्लामेशन में दो इवेंट्स होते हैं, वैस्कुलर इवेंट्स और सेलुलर इवेंट्स। अगर अपन मैकेनिज्म पढ़ें एक्यूट इन्फ्लामेशन की, दो दो मैकेनिज्म देखने को मिलती है, वैस्कुलर और सेलुलर इवेंट्स के रूप में। ये दोनों इवेंट्स जो होते हैं इंटरमिटेंटली फॉलो होते रहते हैं और इसके अंदर मीडिएटर्स भी रिलीज होते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन के। मतलब ये दोनों इवेंट साथ साथ चलते हैं, ऐसा नहीं कि पहले वैस्कुलर चलेगा फिर सेलुलर या पहले सेलुलर फिर वैस्कुलर, ऐसा कुछ नहीं, साथ साथ में सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बस तो ये एक्यूट इन्फ्लामेशन है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वैस्कुलर और सेलुलर इवेंट्स क्या होते हैं, फिर केमिकल मीडिएटर्स कौन कौन से होते हैं, सब चीज़ें हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।